अस्सलाम वालेकुम भाई जी, समीर के साथ क्या आप सब खैरियत से होंगे? आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। खरगोश जो है वो बाहर आ गया और इसको चारा डाल दिया। आज लग रहा है इसको ठंड लग रही है, काफ़ी इकट्ठा इकट्ठा हो रहा है और बाल इसके खड़े खड़े हो रहे हैं। मुर्गियां जो है वो भी खोल के इधर बंद करके इनको दाने और पानी जो है वो डाल दिया। तो ये देखें जी, जिया फातिमा आके दरवाजे में बैठ गया। वो बेटा तो क्या बात है, आप इधर ही बैठ गए हो, किसी ने मारा आपको? किसने मारा है? आपकी मामा ने मारा आपको? ओए, तो जी विजया फातिमा के मुंह से धुआं निकल रहा है। हाँ करो। ओ देखें जी, विजया फातिमा के मुंह से ना धुआं निकल रहा है। ओ आपने पेट में आग जलाई हुई है? आपने पेट में आग जलाई हुई है? हैं? मुंह से धुआं निकल रहा है आपके। हो हो धुआं निकलते मेरे मुंह से भी निकल रहा है ना। ओए विजय फैज मम्मी दुआ निकालती हूँ। क्या मुर्गा काटेगा? नहीं काटता मुझे मुर्गा। तो विजय फातिमा जी जूता पहन के तो अभी बाहर के लिए तैयारी कर रही है। तो अच्छे बच्चे जो है वो जूते पहनते हैं, ठीक है ना? हाँ, सबको बता दो, सब बच्चे जूते पहन के बाहर निकला करें। बता दिया? हाँ, सब बच्चे जो है वो खेलने के लिए जूता पहन के बाहर निकले, ठीक हो गया? मैं खेतों में जा रहा हूँ। नहीं, आप खेतों में नहीं जाओ, आप घर ही खेलो। वो मम्मा शाह घर में अकेले है ना भाई, तो स्कूल चला गया, तो उसके पास आप खेला करो, ठीक है ना? फिर वो खेलेगा, वो देखो 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 खुद ही पहन लेता, खुद ही जूत बंद कर लेता। अच्छा बेटा बड़ा हो गया। हाँ हाँ छोटे बच्चे भी जूत पहन लिया करें। तो आज आपने स्टोरी नहीं सुनाई, सुना दो। कौन सी सुनाओगे? कौन सी स्टोरी सुनाओगे आज आप? आलू की चालू मियाँ सुनाओगे या मछली जल की रानी ये सुनाओगे? हाँ तो ये भी हमारा प्रोग्राम है, खेतों के लिए निकलना है और जो खेत रह गया था बाकी पानी लगाने वाला उसको चल के पानी जो है लगाते हैं। तो जिया फातिमा ने सारी चीज़ें जो है वो पकड़ के निकाल ली और कह रही है मुझे भी साथ लेके चलें। आपको साथ नहीं लेके जाना, आप मुझे स्टोरी नहीं सुनाते हो, नहीं सुनाते हो। सुनाइए कोई स्टोरी मुझे। कौन सी सुनाई है, कौन सी स्टोरी सुनाई है? तो ले जी विजया फातिमा जो है वो स्टोरी सुनाने लगी है, सुनिएगा। सुनाओ। फातिमा जी आ गई झूले के पास, तो कह रही है जी क्या कर लेना है? झूले लेना, ठंड में झूले नहीं लेते, बहुत ठंड है, बैठ जाओ। फिर जी विजया फातिमा जो है वो झूले ले रही है। ओए झूले ले रही ठंड में, आपको ठंड नहीं लगती? नहीं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेतों में पहुंच गया हूं और अभी जनरेटर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा जनरेटर और कुछ इस तरह से हम इसे महफूज करके जाते हैं। जनरेटर में पेट्रोल जो है वो भी कम हो रहा है और सबसे पहले इसमें डालते हैं जी पेट्रोल। जनरेटर के टैंक में पेट्रोल जो है फुल कर दिया और इस जनरेटर का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी कीफ जो है उसके ऊपर सीधी नहीं होती, जिसकी वजह से इसका पेट्रोल जो है वो डालते हुए काफ़ी सारा ज़ाया हो जाता है, जिस तरह ये इसके ऊपर ज़ाया हो रहा है। तो ये कंपनी वालों की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा फॉल्ट है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे कीफ जो है वो सीधी नहीं लगेगी और पेट्रोल जो है वो थोड़ा ज़ाया होगा। तो इसे खोलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हाथ जो है वो पूरा इसके ढक्कन के ऊपर नहीं जाता, तो इस वजह से भी काफ़ी जो है वो इसकी प्रॉब्लम जो हो जाती है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और जनरेटर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर स्टार्ट होते ही पानी जो है वो खेत की तरफ जाना शुरू हो गया। तो
तो जिस खेत को पानी लगाए हुए आज हमारा चौथा दिन है और एक क्यारा जो है वो बकाया रह गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन 2 से 3 घंटे में जो है ये क्यारा भी भर जाएगा और आज हमारी इस खेत से जो है वो जान छूट जाएगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खेत में पानी जो है वो आना शुरू हो गया और अबू जान भी आ गए हैं और चचा जान भी आ रहे हैं। चचा जान बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जो है वो लेके जा रहे हैं। वालेकुम सलाम। तो क्यारे को पानी लगाए हुए काफ़ी टाइम जो हो चुका है तो क्यारा जो है वो अभी तक भरा नहीं है, मगर जनरेटर की टंकी जो है वो ऑयल की ख़त्म हो गई है और अभी चल के उसमें ऑयल जो है वो डालते हैं क्योंकि पानी कम होने की वजह से काफ़ी टाइम जो है वो लग गया और आज भी तकरीबन टाइम जो है वो 10-11 के करीब करीब हो गया। जनरेटर का ऑयल टैंक जो है वो खाली हो गया। जनरेटर के ऑयल टैंक में ऑयल भरने के बाद जनरेटर को स्टार्ट करके मैं आ गया हूँ खेत में। काम जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, मगर यहाँ पे जो है वो खेत ज़रा नाहमवार किस्म का और यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी रुक के जो है वो ऊपर आ रहा है। पीछे काफ़ी सारा पानी जो है खड़ा हो गया और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जा रहा है। तो इस छोटे से काम ने हमारे 4 दिन जो है वो ले लिए हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इस खेत का काम जो है वो मुकम्मल हुआ। 4 दिन जो है वो वैसे हमारे यहाँ पे लग गए हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि काम हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया। तो अभी चलते हैं अगले खेत की तरफ और वहाँ पे चल के जो है एक तो खाला सीधा करना है, दूसरा फिर जो है उसमें भी पानी लगाना है। तो वैसे मेरे ख्याल में आज जो है वो खाला ही सीधा करके छोड़ देंगे क्योंकि टाइम जो है वो भी कम है और दूसरा जनरेटर जो इस बोरवेल पर फिट किया हुआ है इसको भी यहाँ से खोल के दूसरे बोरवेल पर जो है वो लेके जाना है। गंदम जो है वो अभी लगी है और पहला पानी जो है गंदम को लगाया है तो थ्रेशर जो है वो ठीक होने के लिए वर्कशॉपों में जाना शुरू हो गई है ताकि गंदम की तैयारी तक जो है वो काम मुकम्मल हो जाए। सुबह जब खेत में दाखिल हुए थे तो उस वक्त जूता जो है वो उतारा था और अभी काम मुकम्मल होने पे जूता जो है मैं पहन रहा हूँ क्योंकि पानी लगाते हुए खेत में मिट्टी जो है वो काफ़ी नरम हो जाती है और जूते जो है बीच में फंस जाते हैं, इसलिए काम शुरू करने से पहले ही जूता जो है मैंने उतार दिया था। तो अभी जितना सेटअप जो है वो लगाया था यहाँ पे सारे को खोलना पड़ेगा। खेतों से फारिग होकर अभी हम लोग घर रहे हैं और बच्चों ने चूजे जो है वो खोल दिए हुए हैं। तो ये देखें जी विजिया फातिमा, चूज नहीं चूज रहा बेटा है? आपको पता नहीं चलता चूज नहीं चूज रहे हो? चूजे किसने खोले हैं? मोहन शाह ने खोल दिए हैं। तो ये सारे इधर खोल दिए घूम रहे हैं। तो ये रहा जी मोहन शाह झूले के ऊपर बैठा हुआ झूले ले रहा है। तो मुर्गियां आपने चूजे खोल दिए हैं? हाँ। अच्छा तो वो बिल्ली भी इधर ही घूम रही है तो बिल्ली पकड़ के लेगी छोटे चूजों को तो फिर वो भाग गया। तो बिल्ली भाग जाती है, बिल्ली पकड़ के भाग गई तो पता भी नहीं चलना। मैं रखवाली कर रहे हो? तो अबू जान भी आ गए छड़ी लेके बिल्ली के पीछे। फातिमा कह रही है जी मैंने भी मुर्गियों के पास जाना है। आजो 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 आजो। तो ये रही जी छोटी मुर्गियाँ, वो गली में एक छोटा सा बच्चा जो है वो घूम रहा है। तो जिया फातिमा छोटे बेबी को क्या कह रहा था बेटा, क्या कह रहे थे उसे हैं? क्या कह रहे थे उसे, क्या कह रहे थे छोटे बेबी को? भाग गया वो। भाग गया? आप क्या कह रहे थे उसे? आप कह रहे थे मुर्गा काटेगा? हाँ जी। तो जी जिया फातिमा यहीं से खड़े होकर उसे बता रही थी कि मुर्गा काटेगा, घर भाग जो हैं। ओए इधर इधर पीछे आओ जिया फातिमा, मुर्गियों को बंद करें हैं। तो जिया फातिमा मुंह से क्या कर रहा था, मुंह से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ओए ये कैसी बात निकालता है? मुर्गा काटेगा? नहीं काटता मुर्गा, नहीं काटता। अबू जान मुर्गियों और बतखों के लिए दाने लेके आ गए हैं और मुर्गियों और बतखों को दाने जो है वो डाल दिए। बाहर जो दाने बखेरने थे वो अबू जान ने बखेर दिए और बाकी दाने जो है वो हम डाल देंगे मुर्गियों के कमरे के अंदर ही। सारी मुर्गियां और बतखें जो है वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं और अभी कमरे में जो है वो जाना शुरू कर दिए इन्होंने। बतखें जो है वो तो भाग गई हैं अंदर, मुर्गियां जो है वो अभी बाहर ही हैं। यहाँ पे जो दाने बखेरे थे अबू जान ने वो खा रही हैं। तो जी मुर्गियों को बंद करने का टाइम जो है वो हो गया। मुर्गियां सारी जो है वो डरबे के नज़दीक इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं और अभी इन्हें करते हैं बंद ताकि रोशनी के होते होते इनको बंद कर लें।